भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के किसी भी फॉर्मेट के आंकड़ों पर आज भी अगर नजर डालें तो वे उनकी महानता बयां करते नजर आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने आखिरी शतक 2 साल से ज्यादा समय पहले जड़ा था। इसके बाद से 2020 का साल गुजर गया और 2021 में भी उन्होंने अपने सारे मैच खेल लिए हैं और शतक नहीं जड़ पाए हैं। इस तरह उनके शतक का सूखा अभी भी बरकरार है। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने आखिरी बार 3 अंकों वाला जादुई आंकड़ा नवंबर 2019 में छुआ था। इसके बाद वे कई बार अर्धशतक तो जड़ पाए हैं लेकिन 90 रन के पार नहीं पहुंच सके हैं। हालांकि बावजूद इसके विराट कोहली का टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का औसत 50-50 से ज्यादा का है। विराट कोहली का औसत अभी भी इसलिए अच्छा है क्योंकि वे कम से कम 50 या इसके आसपास पहुंच जा रही हैं। विराट कोहली ने साल 2021 में 11 टेस्ट मैच खेले और 28.21 के मामूली औसत से कुल 536 रन बनाए। इसमें सिर्फ 4 अर्धशतक शामिल हैं। विराट कोहली को खुद और उनके फैंस को ये आंकड़े परेशान कर सकते हैं। भारतीय कप्तान ने आखिरी बार 23 नवंबर 2019 को एक अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ा था जो उनके करियर का 70वां शतक था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।